खबर प्रतापगढ़ जिले से है, जहां अर्श फायरिंग का मामला सामने आया है। शादी समारोह में अर्श फायरिंग के दौरान दो लड़कों को गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ताज़ा मामला कुंडा कोतवाली के झारखंड धाम मंदिर का है, जहां पर शादी समारोह में अर्श फायरिंग में दो लड़कों को गोली लग गई है। गोली लगने के बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक पूर्वी विद्यासागर मिश्रा ने कहा है कि दो लड़कों को अर्श फायरिंग में गोली लगी है। फायरिंग करने वालों को चिन्हित किया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, अर्श फायरिंग में दो लड़कों को जो है गोली लगने की बात सामने आई, क्या मामला है और कैसे गोली? ये थाना क्षेत्र कुंडा में मंदिर में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान अर्श फायरिंग का मामला प्रकाश में आया, जिसमें दो लोगों को छर्रे लगे हुए हैं, जिनके द्वारा फायरिंग की गई है। उनकी पहचान सुनिश्चित कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।